हेलो दोस्तों, हम आज स्टडी करेंगे हाफ सब्ट्रैक्टर। हाफ सब्ट्रैक्टर क्या होता है? हाफ सब्ट्रैक्टर भी हाफ एडर की तरह होता है। दो इनपुट होता है, एक इनपुट आपका क्या होगा माइन्यूएंड, और दूसरा जो इनपुट होगा वो क्या होगा आपका सबट्रेंड। माइन्यूएंड और सबट्रेंड का मतलब कि जैसे मान लो हमने किया 8 - 3 = 5, तो 8 क्या होगा आपका, ये तो हो गया आपका माइन्यूएंड, और ये आपका क्या हो गया सबट्रेंड, और ये आपका क्या हो गया डिफरेंस, ये आपका क्या हो गया डिफरेंस। तो दो इनपुट होंगे, दो आउटपुट होंगे, एक आउटपुट का नाम डिफरेंस, दूसरे का नाम बोरो। और इसकी जो एप्लीकेशन किस में यूज लिया जाएगा, ये प्रोसेसर के अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में यूज किया जाएगा। अब इसकी ये ट्रुथ टेबल है। ट्रुथ टेबल में देखिए दो इनपुट है, ए और बी, और आउटपुट है दो, एक तो डिफरेंस एक बोरो। तो डिफरेंस दोनों में से देखिए, ए में से 0 में से 0 गया, 0 गया, कोई बोरो की जरूरत नहीं पड़ी इसलिए यहाँ पे भी 0 आया। फिर दूसरा देखो, 0 में से बन जा नहीं सकता, एक हमने बोरो ली तो एक बोरो यहाँ पे कर दिया, बोरो ली ये बन 0 हो गया, बन 0 में से 1 गया तो 1 बचा। फिर उसके बाद में 1 में से 0 गया, 1 बचा, डिफरेंस बोरो की जरूरत नहीं पड़ी इसलिए 0, यहाँ 1 में से 1 गया, डिफरेंस 0 और बोरो की जरूरत नहीं पड़ी इसलिए यहाँ पे 0। तो इसका डिफरेंस का जो आउटपुट निकालेंगे, डिफरेंस का क्या हाई कब होंगे, एक तो हाई यहाँ पे, एक हाई यहाँ पे, यहाँ पे हुआ तो इसका मतलब ए बार, सो फॉर्म में लिखेंगे तो ए बार और बी, तो ए बार बी प्लस, क्योंकि दूसरा भी हाई है तो इसमें क्या ए बी बार, तो ए बार बी प्लस ए बी बार, यानी कि ए एक जोर बी एक जोर गेट हो गया आपका। अब बोरो में हाई केवल एक बार है, कब है, जब ए बार बी, यानी कि ए बार बी, ठीक है। तो लॉजिक जो सर्किट डायग्राम है हाफ सब्ट्रैक्टर का सिंपल तरीके से बना दिया। इसमें एक एक्सोर गेट की जरूरत पड़ रही थी, एक इसमें एंड गेट है और ए पे नॉट गेट लगा हुआ है, तो हमने एक एक्सोर गेट बना दिया। ए बी इनपुट देखे, ये डिफरेंस का ए एक्सोर बी, और यहाँ पे ए पे नॉट गेट लगा दिया और एंड गेट लगा दिया बोरो ए बार बी। अब हाफ सब्ट्रैक्टर यूजिंग नैंड गेट, तो नैंड गेट और नॉर गेट क्यों यूज लिया है, क्योंकि ये यूनिवर्सल गेट है और इन की सहायता से हम कहने मतलब किसी भी लॉजिक गेट की डिजाइन कर सकते हैं, कोई सा लॉजिक गेट या सर्किटरी डिजाइन कर सकते हैं। तो इसमें देखिए नैंड गेट और नॉर गेट दोनों में हमको 5 5 गेट की जरूरत पड़ी है, इसलिए हाफ सब्ट्रैक्टर में हमको चाहे नैंड गेट की सहायता से बनाए या नॉर गेट की, हमेशा 5 5 यूनिवर्सल, दोनों में से कोई सा भी नैंड या नॉर गेट को यूज करके बनाए, 5 गेट की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे देखिए ये तो आपका, अगर सिंपल तरीके से इसको हटा दिया जाए तो ये किसका बन गया, एक्सोर गेट का, इसमें एक एक्स्ट्रा और नैंड गेट लगा लिया, तो यहाँ पे बी बार ए बार बी, फिर इसका यहाँ पे इसका आउटपुट ए बी का ए बी बार, फिर यहाँ से ले लिया एक इनपुट बी, फिर यहाँ पे बार ले लिया, फिर इस पे लेंगे तो क्या हो गया डबल बी ए बी बार का बार, डबल बार हो गया, ये हट जाएगा, फिर आपका क्या बचेगा बी, और यहाँ पे क्या बचेगा ए बी बार, फिर इसको खोलेंगे तो खोलेंगे तो ये क्या आएगा आपका एंड गेट आ जाएगा बी ए बी बार, ये था। देखिए अब इसको देखिए बी, इसको लिख सकते हैं ए बार प्लस बी बार, अब इनको गुणा करें ए बार बी प्लस बी बी बार। अब मान लो बी की वैल्यू 1 है तो बी बार की वैल्यू 0, टोटल गुणा करने पर 0 हो जाएगा, बचेगा क्या ए बार बी, ये हमने ये बना लिया ए बार बी। इसी तरीके से नॉर गेट की भी हम डिजाइन कर सकते हैं, डिफरेंस ए एक्जोर भी आ रहा और यहाँ पे ए बार भी। थैंक यू दोस्तों, ये है आप हाफ सब्ट्रैक्टर, और हाफ सब्ट्रैक्टर और हाफ एडरम केवल इतना अंतर है, अगर लॉजिक सर्किट में देखें, अगर इस नॉट गेट को हम हटा देते हैं तो आपका ये क्या बन जाएगा हाफ एडर, और अगर नॉट गेट लगा हुआ है तो ये क्या बन जाएगा आपका हाफ सब्ट्रैक्टर। थैंक यू।